हैं कि कलर्स चैनल पर इन दिनों टेलीकास्ट हो रहा है रियलिटी शो मुझसे शादी करोगे। जी हाँ, इस शो में शहनाज गिल अपने दूल्हे की तलाश में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर शहनाज गिल की बहस होती हुई नजर आई थी घर से बेघर हो चुके मयंक अग्निहोत्री के साथ। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि शो में किस तरीके से मयंक और शहनाज गिल में लगातार बहस होती हुई नजर आई थी। यहाँ पर जब मयंक ने शहनाज को लेकर तमाम ऐसी बातें कही जिन्हें जानने के बाद फैंस हैरान हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर शहनाज गिल भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी मयंक अग्निहोत्री से काफी कुछ कहा। जैसा कि आपने शो में देखा ही होगा, बीते पिछले दिनों की लगातार इन दोनों के बीच बहस होती हुई नजर आई थी, लेकिन इसका रिजल्ट सामने आया कि मयंक अग्निहोत्री घर से बेघर हो गए। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर मयंक अग्निहोत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर फैंस लगातार कॉमेंट्स दे रहे हैं और ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पर फैंस ने सपोर्ट किया है मयंक अग्निहोत्री को। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में आज मयंक के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशि राठौर। बता दें आप सभी को कि मयंक अग्निहोत्री ने जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया तो लगातार यहाँ पर शहनाज गिल को जवाब देते हुए नजर आए और उन्होंने शहनाज गिल को शो को लेकर उसे सर्कस भी बता दिया। ऐसे में यहाँ पर शहनाज गिल को लेकर मयंक ने तमाम बातें शेयर की और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आखिरकार इस शो से वो क्यों खुश नहीं थे। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको मयंक के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ फैंस क्या कहते हुए नजर आए हैं उनके सपोर्ट में, ये भी बताते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियलिटी शो मुझसे शादी करोगे में शहनाज गिल का दूल्हा बनने के लिए पहुंचे थे मयंक अग्निहोत्री, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले मयंक अग्निहोत्री हो गए घर से बेघर। लेकिन यहां पर शो में शहनाज से ही उन्होंने ले लिया था पंगा, जिसके चलते इन दोनों के बीच बहस होती हुई नजर आई थी। बता दें आपको कि मयंक ने नेशनल टेलीविजन पर शहनाज गिल की काफी इंसल्ट की थी और इसका परिणाम सामने आया कि शहनाज का दिल जीतने में वो फेल हो गए और शो से बाहर हो गए। ऐसे में घर से निकलने के बाद भी मयंक ने शहनाज गिल के कमेंट को लेकर लगातार यहां पर वीडियोस भी शेयर किए हैं। बता दें आपको कि मयंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वे शहनाज का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें दूल्हा ढूंढने के लिए किसी सर्कस में जाना चाहिए इतना कहते हुए भी वो नजर आए हैं, ना कि इतना बड़ा शो अरेंज करना चाहिए था। मयंक वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने शहनाज के लिए टास्क को करने से इसलिए मना किया क्योंकि किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहनाज पांचों लड़कों को ऐसे समझ रही थी कि जैसे ये मेरे लिए कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे, मैं जो बोलूंगी मेरे लिए एक नौकर बनेंगे, मगर रिलेशनशिप ये नहीं होती। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी रिस्पेक्ट होती है और रिलेशनशिप यह नहीं कि आज मैं ऑफिस से वापस आऊं तो मुझे मेरा पार्टनर पंखे पर उल्टा लटका दिखाई दे, वो भी लड़कियों के कपड़ों में, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप शो में किसी को ऐसा टास्क देते हैं तो ये दिखाता है कि आप दूसरों की इज्जत नहीं करते। ऐसे में आपको बता दें कि मयंक ने ये भी कहा कि किसी को पागल की एक्टिंग करनी है और आपको एंटरटेन करना हो तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको किसी सर्कस में जाना चाहिए था अपने दूल्हा पसंद करने के लिए, ना कि इतना बड़ा शो अरेंज करना चाहिए था। वहीं आपको ये भी बता दें कि मयंक के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार यहां पर लोगों का क्या रिएक्शन सामने आया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मयंक के इस वीडियो के वायरल होने के बाद यहां पर एक फैन ने लिखा है, सिद्धार्थ को भी कितना परेशान करती थी ये साइको, उसका टॉवल और पारस के शूज बिना किसी हेजिटेशन के डैमेज कर दिए और आज बोलती फिर रही है मैं प्यार करती हूँ, कौन सीरियस लेगा इस मेंटल को जो दूसरों के लिए हर्टलेस है। इतना ही नहीं, एक ने लिखा है, सो ही बकवास है, वैसे बंदे ने करेक्ट कहा, बाकी हेटर्स थोड़ा साइड से चलें। दीप से यहाँ पर लिखते हैं, ही इज आउटस्टैंडिंग, चीटनाज से बच गया।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मयंक की लोग तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर मयंक के इस वीडियो ने मचा दिया है जमकर बवाल और यहाँ पर लोगों ने अपने अपने रिव्यूज भी दिए हैं। केबी फैन ने लिखा हुआ है, ये लड़का मस्त है यार। इसके अलावा मुस्कान लिखती है, सना को टैग क्यों किया है आपने? OMG, ये तो एपिक बेइज्जती कर दी इसने। आई लव द मैन, सना को औकात दिखा दी। राकेश यहाँ पर लिखते हैं, वेलकम टू BB14 बड़ी। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि आपको तो बिग बॉस 14 में आना चाहिए। यहाँ पर रियल आंसू लिखते हैं, एग्जैक्टली डॉक्टर, गॉट अ वैलिड पॉइंट दिस शो, नथिंग मोर देन अ कॉमेडी सर्कस। एक्चुअली कॉमेडी सर्कस इज द वे बेटर देन दिस गार्बेज। यहाँ पर रूबी लिखती हैं, वेल सेट, ओवर कॉन्फिडेंस हो गई फेक नाज, अपने आप को महारानी समझती हैं। यहाँ पर एक फैन ने ये भी लिखा है, यू आर ओनली सेंसिबल पर्सन देयर, मैक्सिमम पीपल्स लाइक्ड यू, एक्सपेक्ट सनाज फैंस, यू एंड बलराज आर गुड। रुचि यहाँ पर लिखती हैं, शहनाज में घमंड आ गया है और डॉक्टर बिल्कुल सही था। और इस तरीके से यहाँ पर फैंस ने तमाम कमेंट्स किए हैं मयंक और शहनाज को लेकर। और यहाँ पर इन फैंस के इन रिव्यूज को देखने के बाद सभी बेहद हैरान हैं। मयंक की इस वीडियो ने वाकई में बवाल मचा कर रख दिया है और फैंस यहाँ पर मयंक की साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे इन फैंस के कॉमेंट्स को, और लगातार यहाँ पर शहनाज को लेकर अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो वहीं मयंक की साइड भी ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा किस तरीके से शहनाज गिल को लेकर लोग भड़के हुए नजर आए हैं। शहनाज गिल को लेकर लोगों ने यहाँ पर तमाम बातें कही अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट के जरिए, तो वहीं दूसरी ओर इंस्टाग्राम पर भी यहाँ पर ये वीडियो जब वायरल हुआ है तो मयंक को ज्यादातर सपोर्ट किया गया है। आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा किस तरीके से मयंक को मिल गया है इतने सारे लोगों का सपोर्ट। लेकिन आप क्या कहते हैं यहाँ पर मयंक के बारे में, या आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।